पिला कर लेना है। ये तुलसी के बहुगुण ही हैं, जिसके कारण तुलसी को देव पुराणों एवं आयुर्वेद में सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया गया है। तुलसी भगवान श्री कृष्ण की भी प्रिय रही है। तुलसी का आध्यात्मिक महत्व किसी से छुपा नहीं है, इसलिए तुलसी अमृत आपको स्वस्थ रखने के साथ साथ मानसिक शांति भी प्रदान करता है। आपस में मियां बीबी में जो झगड़े हो जाते हैं, तो तुलसा अमृत के सेवन करने से, क्योंकि विद्युत किरणें उससे तेज उत्पन्न हो जाती है, तो घर से नेगेटिविटी दूर हो जाती है। जो मियां बीबी का जो आपस में झगड़े होते हैं, झगड़े कम होने लग जाते हैं। ये तुलसा अमृत के लाभ देखे गए हैं। तुलसी अमृत न सिर्फ भयानक नशों से मुक्ति दिला सकता है, बल्कि व्यक्ति के शरीर में फिर से पहले जैसी ही स्फूर्ति भी लौटा लाता है। यही नहीं, तुलसी अमृत पेट के सभी प्रकार के रोगों में अत्यंत प्रभावशाली है। जी हाँ, करता सबका हित तुलसी अमृत। तुलसी अमृत GMP ISO द्वारा प्रमाणित भी है, यानी तुलसी अमृत गुणकारी होने के साथ साथ बेहतर गुणवत्ता की भी गारंटी देता है। यदि आप भी तुलसी अमृत के गुणकारी लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर आ रहे इन नंबर्स पर अभी कॉल कीजिए। सर्विस टैक्स नहीं भरते हैं? मुझे पता नहीं आपको पता है कि नहीं पता, लेकिन सर्विस टैक्स नहीं देना जुर्म है, भारी पेनल्टी लग सकती है और जेल भी हो सकती है। अब सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट ये कह रहा है कि आपने टैक्स नहीं भरा है तो आप ले लो लड्डू। सर्विस टैक्स VCS एक्चुअली लड्डू है, नहीं भरा तो आप भर सकते हैं बिना पेनल्टी, बिना इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट में भी। आप बता दिए, बाद में मत कहना पता नहीं था। मिल रहा है खा लीजिए, बाद में पता नहीं रहे रहे ना रहे लड्डू। VCS सर्विस टैक्स भरिए, नई शुरुआत करिए। आप भी हमारी तरह बन सकते हैं बेबी मॉडल्स, बेबी एंकर। एक ऐसा मंच, एक ऐसा स्टेज जहां चार से बारह साल के बच्चे दिखा रहे हैं मॉडलिंग स्टाइल और अदाओं का जलवा। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए, ओ भाई साहब, ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रन रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए, आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। शानदार माइलेज वाला APDV इंजन जो दुनिया की नंबर वन बाइक चुने, यही कहे सदों से भी सदा है। हीरो स्प्लेंडर, लगे ऐसा फैमिली जैसा। जिस देश में सबसे ज्यादा नेताओं को सबसे ज्यादा सम्मान की नजर से देखा जाता था, लेकिन आज वो सम्मान कम होते जा रहा है, क्या वजह? राजनीतिक सामाजिक वातावरण में गिरावट आई है। होना तो ये चाहिए था कि समय के साथ डेमोक्रेसी में और खुलापन आता। क्या माना जाए कि आपका ध्येय कभी नहीं रहा कि राजनीति को थोड़ा आगे बढ़े, कोई वो लालसा आप में क्यों नहीं रही? नहीं, लालसा है, ऐसा नहीं है कि लालसा नहीं है, और ऐसा नहीं है कि हम में कमजोरियां नहीं है, सब में कमजोरियां हैं, लेकिन कुछ समन्वय होना चाहिए। देखिए खास बात, केंद्रीय मंत्री हरीश रावत के साथ रविवार शाम 6 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर।
हम निरपराध हैं, हमने सदैव शांति स्थापित करने का प्रयास किया है। समाजवादी पार्टी के लोगों ने सीडी बंटवाई है, समाजवादी पार्टी के लोगों ने दंगा करवाया। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ, आप देख रहे हैं प्राइमेट। अब सबका बहुत बहुत स्वागत है। मुजफ्फरनगर हिंसा में अब तक 4 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और बाकी गिरफ्तारियां होनी बाकी हैं। मुजफ्फरनगर दंगों के बारे में अगर हम बात करें तो लगातार एक सिलसिलेवार तरीके से हमने देखा किस तरह इस मामले में सियासतदानों की गिरफ्तारियों का दौर जारी है और दंगे रुक तो गए हैं पर सियासत नहीं रुक पा रही। सभी राजनीतिक पार्टियां आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए अपना नफा नुकसान तोलकर जोड़ घटाव की मुद्रा में अब आ चुकी हैं। अगर वो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं तो हम भी जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, हम कोई अपराधी नहीं है। मुजफ्फरनगर दंगों के बाद चढ़ते सियासी पारे में अब गिरफ्तारियों का दौर शुरू हो गया है और गिरफ्तारियों के बाद खुद को बेगुनाह बताने और दूसरे पर आरोप लगाने का सिलसिला भी परवान चढ़ने लगा है। भड़काऊ भाषण देने के आरोप में बीजेपी के सुरेश राणा, हुकुम सिंह और संगीत सोम गिरफ्तार हो चुके हैं, जबकि बीएसपी के नूर सलीम राणा की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। नूर सलीम राणा और संगीत सोम को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भी भेज दिया गया है। संगीत सोम की जमानत पर सुनवाई 23 सितंबर को और नूर सलीम राणा की जमानत पर सुनवाई 24 सितंबर को होगी। मुजफ्फरनगर दंगों ने करीब 47 लोगों को मौत के घाट उतार दिया, लेकिन नेता ये सब भुलाकर सिर्फ और सिर्फ सियासत करने में जुटे हैं। अपनी गिरफ्तारी के बाद हुकुम सिंह ने खुद को निर्दोष बताया और पूरा ठिकरा यूपी सरकार पर फोड़ दिया। मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूँ कि हम निरपराध हैं, हमने सदैव शांति स्थापित करने का प्रयास किया है और एक भी हमारा कोई घटना सिद्ध नहीं कर सकती कि इसमें हमारे बीजेपी के किसी विधायक ने, कार्यकर्ता ने दंगे भड़काने की बात की। जो विपक्ष के नेता और सदन के नेता मिलकर के राजनीति करेंगे तो स्पष्ट हो जाता है कि दोनों पार्टी मिलकर के कहां जाना चाह रही है। दंगे की आड़ में सियासत की रोटियां सेकने के बीच जहां एक तरफ हुकुम सिंह थोड़ा नरम नजर आए तो वहीं संगीत सोम ने आजम खान पर जमकर आरोप लगाए। 100% फर्जी है, समाजवादी पार्टी के लोगों ने सीडी बंटवाई है, समाजवादी पार्टी के लोगों ने दंगा करवाया और वो ही दंगा कराना चाहते हैं। और आजम खान को बर्खास्त करके जब तक गिरफ्तार नहीं करेंगे ये दंगे इसी तरीके से होते रहेंगे, क्योंकि आजम खान इस प्रदेश में दंगा कराने वाला एक इंसान है और आजम खान कहते हैं मैं इस प्रदेश का वजीर हूँ। कहाँ के वो वजीर है? अगर वो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि है तो हम भी जनता के चुने हुए प्रतिनिधि है। संगीत सोम यही नहीं रुके, आजम खान को सोच समझ कर बोलने की सलाह तक दे डाली। हम कोई अपराधी नहीं है तो आजम खान को एक तो बोलने से पहले ये सोचना चाहिए कि वो क्या बयान दे रहे हैं। कोई आजम खान पर दंगे भड़काने और एसपी पर फर्जी सीडी बांटने का आरोप लगा रहा है तो कोई खुद को निर्दोष बताने में जुटा है। दंगों के बाद हमेशा की तरह सियासत जारी है और बीजेपी यूपी सरकार को ही दंगे का असली जिम्मेदार मान रही है, तो वहीं बीएसपी दंगों के पीछे बीजेपी और एसपी दोनों की मिलीभगत बता रही है, तो वही कांग्रेस भी दंगे के बाद अपना सियासी स्वार्थ साधने की तैयारी में है। चैनल 1 के लिए सतीश की रिपोर्ट। चर्चा की हम शुरुआत करते हैं, तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ स्टूडियो में अजय कुमार पांडे जी, वरिष्ठ पत्रकार, साथ ही मनोहर मनोज जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। इसके अलावा सतपाल मलिक जी, बीजेपी के आप नेता हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के काफी बड़े नेता हैं, वहां की राजनीति से काफी ताल्लुक उनका भी रहा है। सर मलिक साहब, सबसे पहला सवाल मेरा आप ही से मैं शुरुआत यहां करना चाहूंगा। दो स्थितियां यहां पे आपके सामने जो खड़ी हैं, एक तरफ राजनीति की बात हमेशा से हो रही है कि 2014 को एम करके सब किया जा रहा है, ये आरोप है। पर दूसरी चीज सर ये भी है कि आपके जो विधायक हैं जो अभी गिरफ्तार हुए हैं उनका कहना था कि वो भगौड़े नहीं है, वो कहीं भाग नहीं रहे और सरकार भी उन्हें गिरफ्तार नहीं कर पा रही थी इतने दिनों से, तो स्थिति क्या है? सरकार कहती है कि वो हम गिरफ्तार करने की कोशिश करते रहे, गिरफ्तारी नहीं हो पाई। आप लोग कह रहे हैं कि हम भगौड़े नहीं है, विधानसभा भी जा रहे हैं, तो इस स्थिति स्पष्ट कैसे की जाए? सर देखिए, स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है, वो जिनको गिरफ्तार कर रहे हैं उनको गिरफ्तार करने की कोई जरूरत नहीं है चूंकि उन्होंने कोई ऐसा काम किया ही नहीं था। उनकी स्पीच के बाद पंचायत ने कोई हिंसा नहीं की, कहीं कोई हिंसा नहीं हुई। हिंसा तब हुई जब पंचायत के लोग वापस लौट रहे थे और उनके ऊपर गांवों में घेर घेर के हमले हुए और उन हमलों के लिए जिम्मेवार एक भी आदमी आज तक गिरफ्तार नहीं हुआ है। तो जो दोषी हैं उनको आप गिरफ्तार नहीं करेंगे, जो पॉलिटिकली आपको सूट करता है सामने वालों पे गलत इल्जाम लगा के उनको गिरफ्तार करेंगे। ये जो पक्षपातपूर्ण रवैया है
इसी से मुजफ्फरनगर की फिजा खराब हुई थी और इसी से अभी भी लोगों में बहुत गुस्सा है कि एक तरफा गांव में से लोग भागे हुए हैं। क्या आपका ये कहना कि बिना साक्ष्यों के आधार पर गिरफ्तारी हुई है? उनको बताना चाहिए क्या स्पीच है उनकी और उनकी स्पीच से कौन सी हिंसा हुई है, उनकी स्पीच के बाद भीड़ ने क्या हिंसा कर दी। ठीक है, इस स्थिति यहाँ पर समझ में उनके भी नहीं आई है। अजय जी ये कह रहे हैं कि मलिक साहब का कहना है कि उन्हें बताया नहीं गया। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल हम ले लें, लगातार जो साध्वी प्राची का नाम आ रहा था और उनको बोलते हुए सुना गया, वो भी बीजेपी से जुड़ी हुई बताई जाती है और उनके ऊपर कोई कार्रवाई यहां पर नहीं हुई, जो कि सीढ़ी भी एक थी जिसके अंदर मीडिया में उस सीढ़ी थी, हालांकि वो चलाने लायक नहीं है क्योंकि उससे भावनाएं भड़क सकती हैं, उसके अंदर स्पष्ट तौर पे अपनी बात वो रखनी। तो क्या लग रहा है कि इसमें भी गिरफ्तारी भी जो की जा रही है उसमें भी पारदर्शिता नहीं है, जिन लोगों को वाकई होना चाहिए था वो नहीं हो पा रहे हैं क्या? देखिए मैं प्रथम दिन से इस मसले पर मेरा एक ही चीज है कि जो भी कार्रवाई जी जिस किसी भी पक्ष के द्वारा हो गई, अगर भाजपा के द्वारा जो भी बयान दिए जा रहे हैं या जो बयान आ रहे हैं, अगर कांग्रेस के द्वारा जो बयान दिए जा रहे हैं जो बयान आ रहे हैं, और समाजवादी पार्टी के द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है, सब के सब वोटों को कैलकुलेट करके गिन करके और सधे हुए अंदाज में 2014 का लक्ष्य है जनता, लोकतंत्र, जमहूरियत, इंसानियत, धर्म, सब ठेके पे दे दिया गया है इस देश से बाहर, और कोई भी व्यक्ति इसमें धुला नहीं है जी। जहां पे मलिक साहब कह रहे हैं कि ठीक है, उनकी बात भी ठीक है, अगर आप गिरफ्तार कर रहे हो तो 16 आदमी हैं, समाजवादी पार्टी का एक सचिव भी उसमें शामिल था, आप उसको गिरफ्तार करो। और फिर देखने वाली बात यह भी है कि ये गिरफ्तारी के टाइमिंग को आप देखिए, ठीक है, आप बड़े बड़े अपराधियों को इस देश की, इस राज्य की पुलिस चंद घंटों में 107 के मुकदमे में, झगड़े के मुकदमे में तो मिनट नहीं लगते सलाखों के पीछे करने में, और यहाँ ये वास्तव में ठीक है, ये जनता के प्रतिनिधि हैं, कोई क्रिमिनल नहीं है, ये छुपे हुए और भगे हुए नहीं थे, विधानसभा में जा रहे थे। इन पर्टिकुलर संगीत सोम जी की बात अगर की जाए तो वो तो स्टूडियो में आके उन्होंने कहा कि मैं तो भागा हुआ नहीं हूँ, मुझे पुलिस बुलाए, जिस थाने में बुलाएगी, जहां बुलाएगी मैं जाने को तैयार हूँ। तो ऐसी स्थिति में ये गिरफ्तारी तो गिरफ्तारी भी एक ड्रामा है, एक ड्रामा है, एक कैलकुलेटेड मूव है। और इसी आपके चैनल पे जब मैं पिछली बार इसी विषय पे था तो आपको याद है कि यहाँ पे भाजपा के एक प्रवक्ता जाजू साहब आए हुए थे जी, जो मुजफ्फरनगर वर्सेस मध्य प्रदेश और गुजरात और छत्तीसगढ़ तमाम चीजों का उदाहरण दे रहे थे, लेकिन आज मध्य प्रदेश में भी कर्फ्यू है, वहां भी दंगा का माहौल है, तो क्यों नहीं माना जाए कि ये मुजफ्फरनगर तक सीमित नहीं है, ये देश की फिजा में जहर, जैसा बीजेपी कहती है, देश की फिजा में नहीं, ये भी अजीब इत्तेफाक है। आप अच्छा पूछ रहे हैं, बीजेपी कहती है कि ये कांग्रेस और समाजवादी की नुड़ा कुश्ती है, यही बात कर, और कांग्रेस ही कहते हैं कि ये भाजपा और समाजवादी पार्टी की नुड़ा कुश्ती है, दोनों की मैच फिक्सिंग है। तो ये तो इस देश की जनता को तय करना पड़ेगा, और मैं बार बार कह रहा हूं, खास करके मलिक साहब उस क्षेत्र से आते हैं, मैं उनका तवज्जो चाहूंगा इस पे कि ये क्षेत्र दंगों के लिए कभी बदनाम नहीं रहा है, और पहली बार भारत के इतिहास में भारत के ग्रामीण परिवेश में दंगे हुए हैं, इस देश में दंगे हुए हैं, अलीगढ़, भिवंडी, जो शहरीकृत होते थे, गांव की फिजाओं में जो जहर घोलने का काम हुआ है, जहर घोलने का काम हुआ, गांव की फिजाओं में, गांव के कुओं में जो जहर घोला गया है, ये बहुत खतरनाक है। और मुझे तो लगता है इस देश के सियासतदान बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, कांग्रेस वर्सेस सपा समझ रहे हैं, लेकिन मैच तो अंत में भारत हारेगा, गोल चाहे आज समाजवादी पार्टी के पाले में हो या कांग्रेस के पाले में हो, शायद या इंसानियत समझ रहे हैं लोग, भी शायद समझ रहे होंगे, और हो सकता है इसके पीछे पाकिस्तान की ISI एजेंसी का हाथ हो, इस देश की फिजा को बर्बाद करने। चलिए ये भी, और हम ये ना भूलें कि मुजफ्फरनगर दिल्ली से चंद घंटों की दूरी पर है, तो ये संकेत बहुत खतरनाक है, और राजनीति के चश्मे से बाहर निकलकर समय रहते इसको देखा जाए। ठीक है मनोहर मनोज जी, किश्तों में क्यों गिरफ्तारी हो रही है ये समझ में नहीं आ रहा, क्या ये भी प्लान दिखती है आपको, गिरफ्तारी भी प्लान है? नहीं है, इसमें तो अब कुछ फर्दर कहने की गुंजाइश रही नहीं गई, जैसे पहले की मलिक साहब ने फरमाया और उसके बाद जो अजय जी ने जिस तरीके से चीज को बताया वो बिल्कुल उससे असहमत होने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। लेकिन यह बात जरूर अब आनी ही चाहिए, कल मैं एक राजनीति के वैकल्पिक मिशन पर एक सेमिनार में मैं था, तो उसमें तमाम विकल्प वैकल्पिक राजनीति की बात हो रही थी,
तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जब देश में नई अर्थनीति आई, नए आर्थिक सुधारों की परिकल्पना की गई, तो इस देश में नई राजनीति कब आएगी, कब नए राजनीतिक सुधारों की बात होगी? और जब नए राजनीतिक सुधारों की बात होगी तो मैं बहुत बार आपके कई कार्यक्रम में इस बात को दोहराया है कि इस देश में आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, जो पहचान की राजनीति है, जो कि राजनेताओं के लिए और राजनीतिक दलों के लिए करना बड़ा आसान होता है, जाति धर्म भाषा उसके अलावा क्षेत्रीयता और तमाम संस्कृति खानदान छवि, जो भावुकता आधारित राजनीति है, जो पहचान आधारित राजनीति है, जिसके जरिए जनता की भावनाओं को उकसाकर उन्हें गोलबंद कर जो है ध्रुवीकरण करना बड़ा आसान होता है। बरक्स मुजफ्फरनगर आपका मुद्दा बना है, उस पर आपने कई बार जो है परिचर्चा का आयोजन किया है, तो मैं एक बात कहना चाहूंगा, यहाँ पर किसी इंटेलेक्चुअल फैशन के तहत जो है प्रोग्रेसिव और सेकुलरिज्म और तथाकथित जितनी सारी बातें होती हैं उसके तहत मैं ये नहीं कह रहा हूं, बल्कि हम ये कहना चाहेंगे कि वो एलिमेंट, वो पॉलिटिकल एलिमेंट जो दंगों के इंतजार में रहते हैं, उन्हें इस तरीके का मौका क्यों दिया जाता है? गुजरात दंगों का बार बार उल्लेख होता है तो उसकी शुरुआत होती है कहां से? गोधरा से, जब कार सेवकों को जलाया गया। उसी तरीके से मुजफ्फरनगर में जो ये लव जिहाद के नाम पर जिस तरीके से उस लड़की के साथ बदसलूकी की गई, और जब वो अपने बहू बेटी और आबरू इज्जत की रक्षा में, जो कि आम तौर पर देखा जाता है, उसने जो है उस व्यक्ति का कत्ल कर दिया और फिर उसके प्रत्युत्तर में जो है कत्ल हुआ, तो मेरा ये कहना है कि कोई कत्ल और उसका जवाबी कत्ल, वह दोनों जो है वो ठीक नहीं है, लेकिन जो अपराध पहले करता है कहीं ना कहीं वो ज्यादा दोषी है। तो इसमें काम प्रशासन और शासन का तो था ही, जिन्होंने जो इस मामले में ढिलाई बरती, लेकिन हम ये चाहेंगे कि इस देश में जो तमाम संप्रदाय के लोग हैं वो अपने अपने सामाजिक कॉन्स्टिट्यूएंसी से इन चीजों को एड्रेस करें, सोशल कॉन्स्टिट्यूएंसी से एड्रेस करें, तो इसका ज्यादा बेहतर निदान निकलेगा। जब बात पॉलिटिक्स के साए में आएगी तो फिर सब लोग बैठे हुए हैं अपना उल्लू सीधा करने के लिए, और इस खोलते मतलब उसमें जो है और लोग घी आग में जो है और लोग घी डालने के लिए लोग तैयार बैठे हुए हैं, जो कि जिससे कि देश का जो है भला नहीं होगा, जिस बात की तरफ हमारे मित्र अजय जी ने इशारा किया। मलिक साहब, क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में जो हो रहा है वो भी एक आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का ही नतीजा है? देखिए, मैं अजय जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं। आप इस बात को सिर्फ पॉलिटिक्स तक सीमित कर देंगे इस घटना को, तो हम लोग अपना बहुत नुकसान करेंगे जी। राजनीतिक दलों का काम है, वो राजनीति करते हैं, अपना नफा नुकसान देखते हैं, लेकिन इससे राष्ट्रीय जो हमारा सामाजिक ताना बाना है उसको जो नुकसान हुआ है उसको देखने की कोशिश करें। ये जो गांव है मुजफ्फरनगर के, जहां दंगाबाद जिनके लोग मारे गए, फिर वो जब गांव में गए और दंगा भड़का, इन्हीं गांव के लोग मुसलमानों को सन 47 में स्टेशन से उतार उतार के लाए थे कि आप चलो यहीं रहो, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, और 60 साल में वहां कभी दंगा हुआ नहीं था। आज वहां सारा सामाजिक ताना बाना खत्म हो गया है। अपराधी वो हैं जिन्होंने इस ताने बाने को खत्म किया, जिनकी नाअहलियत ने, जिनके पक्षपातपूर्ण रवैये ने, जिन्होंने राजनीति के लिए ये दिखाया समाज में कि हम सिर्फ एक वर्ग के साथ हैं, उन्होंने इतना बड़ा नुकसान किया। राजनीति तो अपनी जगह है, हमारा पूरा सामाजिक ढांचा खत्म कर दिया है। ठीक है, पर एक बात बताइए, अगर और अभी इसको आप भी जी आप मलिक साहब, अगर आप ये बात कहते हैं कि हमें इस सब से उठ करके देखना चाहिए इंसानियत के पैमाने पर फिर क्यों लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी ये बात कहते हैं कि समाजवादी पार्टी मुस्लिम परस्त हो गई है, दूसरी पार्टियां मुस्लिम परस्त हो गई है, इन शब्दों का भी तो फिर प्रयोग नहीं होना चाहिए? भाई वो नहीं, वो जो देख रहे हैं आज, ये सही बात है कि पूरे उत्तर प्रदेश में मैं आपको जो इनाम कह दूंगा अगर आप किसी मुसलमान के खिलाफ FIR दर्ज करा दें। अफसरों को ये आदेश है कि कोई भी FIR करने से पहले लखनऊ पूछना पड़ेगा। मेरे अपने गांव में एक गरीब आदमी की गाय खोल के वो बाग में काट ली गई, सारा गांव इकट्ठा होके गया और एक हफ्ते तक उसकी FIR नहीं हुई जब तक मैंने आला अफसरों से बात नहीं की। तो पूरे प्रदेश में इस तरह का रवैया है, सब लोग डरे हुए हैं। पर मलिक जी, इसमें तो सवाल आप पर भी है कि अगर ये स्थितियां पहले से वहां पर थी तो आप लोग क्यों आगे नहीं आए, क्यों सामाजिक जागरूकता आपने नहीं दिखाई? क्या आप भी दंगों का इंतजार कर रहे थे? फिर तो ये भी सवाल उठेगा। देखिए, सामाजिक जागरूकता के अलावा हम लोग तो राजनीतिक तौर पे भी रोज ये कह रहे थे कि ये लोग बहुत बुरा काम कर रहे हैं, एक तरफा काम कर रहे हैं। मीडिया को तो रोका नहीं था सदन, मीडिया तो दिखाई रहा है। सदन के हर सेशन में ये चीजें उठी हैं,
सबको ये पता है, मेरठ में आज नहीं चुनाव से पहले, लोकसभा चुनाव से पहले मेरठ बंद रहा था इसी बात पे। ठीक है, छोटा सा ब्रेक यहां पर हम लेंगे, ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो अजय कुमार जी से भी हम जानेंगे कि इसके पहलू कैसे इसे आखिर देखा जाए, क्योंकि अगर हम राजनीति की बात कर रहे हैं तो वहां पर इंसानियत की बात आ जा रही है, जब हम इंसानियत की बात करते हैं तो वहां राजनीति आ जाती है, तो स्थिति जो है वो बड़ी है और लकीर हम कहीं नहीं खींच पा रहे हैं। शायद लकीर खींचना बहुत जरूरी है और ये लकीर जो खींची गई है इतनी महीन है कि दिख नहीं रही है और चीजें इधर की उधर हो रही है। छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे हम। निरपराध हैं, हमने सदैव शांति स्थापित करने का प्रयास किया है। समाजवादी पार्टी के लोगों ने सीढ़ी बंटवाई है, समाजवादी पार्टी के लोगों ने दंगा करवाया। एक रुपए नहीं है बॉस। एक रुपया नहीं है मतलब? अरे मतलब छुट्टा नहीं है। नहीं है तो आप लेके आओ, जाओ। छोड़ना, एक रुपए में क्या कर लेगा तू? पिगी बैंक में डालूंगा। तुझे क्या प्रॉब्लम है? मेरे को मेरा एक रुपया चाहिए। अच्छा एक मिनट, करीना पसंद है बॉस? क्या ये देखो, क्या है ये वीडियो? एक रुपए में देखो, देखो पूरा देखो। देखो वीडियोस एक रुपए में, 52010 पे कॉल करो, क्लिक करो, चूज करो, एंजॉय करो, एक रुपए में फुल मस्ती। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी आइए। वो भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है, आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया मजे ले लिए, आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हम जानते हैं कि घर हर मान उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना? हमने सदैव शांति स्थापित करने का प्रयास किया है। समाजवादी पार्टी के लोगों ने सीढ़ी बंटवाई है, समाजवादी पार्टी के लोगों ने दंगा करवाया। स्वागत आपका ब्रेक के बाद। अजय जी, इस बात का आप जवाब देना चाहेंगे जो मलिक साहब कह रहे हैं, जिस तरह की बात उन्होंने कही कि स्थिति वाकई जमीनी तौर पर इतनी गंभीर है, अगर इतनी गंभीर है तो शायद वो आ नहीं पाई, लाई नहीं गई, या वेट करके मौके का इंतजार किया जा रहा था, क्या देखते हैं आप? नहीं, मैं तो बार बार कहूंगा कि स्थिति गंभीर है, क्योंकि मुजफ्फरनगर एकमात्र दंगा नहीं है। जब से अखिलेश जी वहां सरकार में आए हैं, ये 14वां या 15वां दंगा है उत्तर प्रदेश में, तो स्थिति तो कॉमनल टेंशन की तरफ लगातार बढ़ रही थी। भाजपा हो या जो दूसरे राजनीतिक दल हैं, वो एक फिर बड़ी बीमारी है, सब पे लागू होती है, कि आज की तारीख में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है या राजनेता है, उसका एकमात्र लक्ष्य सत्ता की कुर्सी तक रह गया है। ये जो माननीय संगीत सोम जी हैं, ये आज इनके माननीय विधायक हैं, पूर्व में ये सपा से लोकसभा का चुनाव लड़े थे। तो अब एक आपके गुजरात की मैं अगर बात करूं तो वहां एक सांसद महोदय टोल टैक्स पे जाके राइफल लहराते हैं, वो भी बीजेपी में है। और नहीं, उनको कांग्रेस से निकाले जाते हैं और भाजपा में ले जाते हैं। तो अब सवाल यह है कि मलिक जी जैसे चरित्रवान नेता की इस देश को जरूरत नहीं है, इस देश को जनता की जरूरत नहीं है। अब जरूरत है कि मैं कितना दबंग हूं और मैं चुनाव जिता सकता हूं कि नहीं जिता सकता हूं, और नंबर ऑफ सीट जो सरकार बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। जो मलिक साहब ने यहाँ एक बात और की वो बहुत महत्वपूर्ण है, मुजफ्फरनगर के संदर्भ में वहां की अर्थव्यवस्था हिंदू और मुसलमान से परे जाकर आटे और लोई की तरह गुठी हुई है आपस में। अगर कोई गन्ना उगाता है तो कोई गुड़ बनाता है, अगर कोई गुड़ बनाता है तो कोई वो चादर बिनता है, तो वो ये अर्थव्यवस्था पे भी हमला है। और जैसा कि आर्थिक परिक्षेत्र की तरफ इशारा कर रहे थे, ये हो सकता है ये सामाजिक ताने वाने से पे हमला से ज्यादा उस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को कुंद करने की कुत्सित साजिश हो। और इसके साथ एक बात जो वो कह रहे हैं कि किसी मुसलमान के खिलाफ FIR दर्ज नहीं होती है, तो हम उसको इस चश्मे में ना देखें, हम ये देखें कि एक अपराधी के खिलाफ FIR दर्ज नहीं होती है,
यादव के खिलाफ भी FIR दर्ज नहीं होती, तो वो तो हिंदू है, तो हम उसका समर्थन करेंगे और मुसलमान का विरोध इस धर्म के चश्मे में। ये जो अप्रोच है राजनीति को देखने का और समाज को देखने का, हम अपने वोट बैंक, इसलिए ये भी ठीक है, घूम फिर के हम वहीं आ गए जहां थे। सपा के साथ मुसलमान है और यादव है। बिहार में भी ये होता था जब लालू जी का शासन था, माई का फॉर्मूला। हमारे भाई बैठे हैं यहाँ, ये चुनाव भी लड़े हैं वहां बिहार से, ये बताएंगे। तो ये अपने वोट बैंक को जो रजिस्टर करने का तरीका है, ये जो दौड़ शुरू हो गया है कि वो मेरा वोटर है तो वो गलत भी है तो वो सही है, और वो मेरा वोटर नहीं है तो सब कुछ ठीक है। ठीक है, ये जिस मुजफ्फरनगर से ट्रेन से उतारने की ये बात कर रहे हैं, ये वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन मैं बहुत सीरियसली और गंभीरता से एक मिनट चाहूंगा यहाँ पे तवज्जो आप सबका और इस देश की जनता का जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। देखिए, मुसलमानों को इस देश में देखने का जो तरीका इजाद हो गया है ना, आपको बदलना पड़ेगा। आप बार बार एक मुसलमान से ये क्यों कहते हैं कि तुम स्वामी भक्त हो, तुम देशभक्त हो, इसका तुम्हें सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। मुझे लगता है कि हिंदुओं को यह सर्टिफिकेट दिए जाने की जरूरत है कि तुम राष्ट्रभक्त हो, मुसलमान को जरूरत नहीं है। जब यह देश बटा 1947 में, तो इस देश के मुसलमान जो भारत में रह गए, उनके पास स्पष्ट चॉइस था, एक दाढ़ी वाला और एक चोटी वाला, एक टोपी वाला और एक टीक वाला। उन्होंने किसको चुना? गांधी को चुना, जो बिना दाढ़ी का था, और दाढ़ी वाला जिनको जिन्होंने चुना था वो चले गए। और उस कौम से आप बार बार सर्टिफिकेट मांगते हैं 62 साल के बाद, ये अन्याय है, ये गलत है। अगर सर्टिफिकेट देना है तो इस देश के हिंदू, इस देश के बहुसंख्यक सर्टिफिकेट दें कि वो राष्ट्रभक्त हैं। आज दंगे की बात हो रही है, कौन वहां के राहत शिविरों में जाकर के राहत पहुंचा रहा है, इसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। कहां सो रहे हैं NGO, कहां सो रहे हैं स्वयंसेवी संस्थाएं? ठीक है, ये भी एक बात अपने आपके अंदर है मलिक साहब, ये बात बड़ी महत्वपूर्ण बात ये उठी है। उत्तरांचल में तो बाढ़ आई थी तो बड़ी जल्दी पड़ी मलिक साहब, बड़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर उठाई अजय जी ने कि ठीक है, अब जब सब मिलने जा रहे हैं तो सब मिलने के लिए ही मिलने जा रहे हैं, अब मिल करके दर्द बांट करके क्या करेंगे? खाने को जब आप नहीं दीजिएगा किसी को, किसी का पेट नहीं भर रहा है, तो आप लोग भी जब वहां जा रहे हैं तो क्या इन चीजों पर या जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपका ध्यान भी क्या इस तरफ है कि सिर्फ मिलकर ही आ जाना ध्यान भर है? देखिए, अभी तक तो जो लोग गए हैं वो एक ही वर्ग विशेष में गए हैं, हम लोग जाएंगे तो सब लोगों में जाएंगे। और सब बड़ी बात यह है कि आप जो जिस चीज को अपने लोगों को भेजिए, कैमरामैनों को, कि गांवों में अज्ञात करके 150-200 लोगों के खिलाफ FIR है, गांव के लोग सब गांव छोड़ के भागे हुए हैं, उनके पशु भूखे मर रहे हैं, उनके यहाँ घर में दाना नहीं है, उनके कोई शिविर भी नहीं है, उनकी कोई मदद को नहीं जा रहा है। सरकार को इवन हैंडेड होना चाहिए और जो भी मरा है, चाहे वो हिंदू मरे के मुसलमान, दोनों को बराबर ट्रीट करना चाहिए। 18 ट्रैक्टर जलाए गए, नहर में फेंके गए, उनका कोई हर्जाना नहीं है उन किसानों को। उनके जो लोग मरे उनकी गिनती भी नहीं है, उनकी जानकारी भी नहीं दी जा रही है, बताया भी नहीं जा रहा है। तो सरकार जब इवन हैंडेड होती है तब अविश्वास नहीं रहता, जब इवन हैंडेड नहीं होती है तब अविश्वास पैदा होता है, तब तफरका पैदा होता है और तभी सांप्रदायिकता पैदा होती है। मनोज जी, ये आर्थिक नुकसान की बात आ रही है, आर्थिक जो अधोरचना वहां पर है उसको बिगाड़ने की बात आ रही है, आपको लगता है इतना सोच करके कि आर्थिक अधोरचना बिगड़े, सिर्फ वोट बैंक ही इसके पीछे देखते हैं कि ये भी एक कारण दिखता है? नहीं, बिगड़े वाली तो बात बाद में आई, ये उसका आउटकम इफेक्ट है। लेकिन जो वोट बैंक को लेकर के देखे, पहले इसी एक कार्यक्रम में कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में मैच फिक्स था, तो मैंने भी कहा ये बात था, क्योंकि दोनों ने यह तय किया था कि पोलराइज करेंगे, आप जो है हिंदू वोट बैंक का फायदा उठाओगे, हम मुस्लिम वोट बैंक का फायदा उठाएंगे। लेकिन जब अल्पसंख्यक गुट जो है इनसे नाराज हो गए सरकार से, तो अखिलेश यादव ने वो टोपी पहन करके उन इलाकों का दौरा किया और एक तरह से हर तरह से मरहम लगाने का काम किया कि कहीं ये वोट बैंक कांग्रेस की तरफ न शिफ्ट कर जाए। तो सब लोग इस अखाड़े में, इस सांप्रदायिक राजनीति के अखाड़े में सब लोग अपने अपने दांव लेकर उतरे हुए हैं, और ये साफ जाहिर हो रहा है। कांग्रेस भी चाहती है कि सपा का वोट बैंक कहीं हमें मिल जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसी वजह से जो है एक वर्ग विशेष में जो है प्रधानमंत्री और सोनिया दौरा करते हैं, जब ये रिपोर्टें आई, जब जाटों की तरफ से ये बयान आया कि उनकी नाराजगी है इस बात को लेकर के, तो अगले दिन जो है उनके पास भी दौरा करने गए लोग। सवाल देखिए, जो मुजफ्फरनगर की जो घटना घटी है उसकी केस टू केस
इन जस्टिफाइड तरीके से और न्यूट्रल तरीके से पड़ताल हो वह एक अलग मुद्दा है, लेकिन इस घटना के बहाने देश की राजनीतिक, सामाजिक और खास करके एथनिसिटी को लेकर के यदि बहस होती है, जिसकी शुरुआत थोड़े हमारे अजय भाई ने किया, तो वह एक बहुत बड़े बहस को जन्म देगी। देखिये, इस देश का सांप्रदायिक आधार पर विभाजन होना इन सारी समस्याओं की जड़ है, लेकिन आप यह भी देखिए कि सांप्रदायिक विभाजन होने के बाद भारत एक सेकुलर देश रहता है और पाकिस्तान में एक तरह से मजहबी राष्ट्र का निर्माण होता है। आप वहां के हिंदुओं के बारे में सोचिए जो कि बिल्कुल अल्पसंख्यक हैं, उन पर किस तरीके का जुल्म होता है। घोषित रूप से, संवैधानिक रूप से, कानूनी रूप से यहाँ अल्पसंख्यकों के खिलाफ आप किसी तरीके की कोई गैर बराबरी और कोई भेदभाव नहीं कर सकते हैं, ये तथ्य है। लेकिन वही पाकिस्तान में किस तरीके से वहां के अल्पसंख्यक हिंदुओं की बहु बेटियों के साथ बलात्कार वो तरीका अपनाया जाता है, उस पर कितने यहाँ के बयान आते हैं। मैं कोई हिंदूवादी प्रवक्ता नहीं हूं, मैं एक महज एक तटस्थ विश्लेषक के नाते इन चीजों को मैं उभार रहा हूं। भारत में उनको तो तमाम तरह के अधिकारों से लैस किया गया है। अगर अपने रिलीजन के तरफ से अगर वो मेन स्ट्रीम में नहीं आना चाहते हैं, देश के नेशनल लॉ में नहीं आना चाहते हैं, देश के नेशनल सोसाइटी के मेन स्ट्रीम में नहीं आना चाहते हैं, तो ये धर्म उनके धर्म का अपना मामला है। लेकिन अगर राजकीय स्तर पे, शासकीय स्तर पे अगर कोई भेदभाव होता है तो वह एक निहायत चिंता का विषय है और उसके लिए हमारे पास कई सारे फोरम्स हैं। तो इन चीजों का जो है निदान जो है हमें बिल्कुल एक तटस्थ तरीके से करना होगा। और यह एक फैशन बन गया है कि हम जो है प्रोग्रेसिव वाद के बहाने सत्य को जो है झूठला करके जो है उन चीजों पर मरहम लगाते हैं जो कि सत्य के करीब नहीं होता। हम ये जानते हैं कि अल्पसंख्यक समुदाय जो है, खास करके मुस्लिम वर्ग जो है, देश के विकास के मुख्य धारा में पिछड़ा हुआ है। तो इसमें अगर और लोग जिम्मेवार हैं, और लोग जिम्मेवार हैं, लेकिन उससे ज्यादा जिम्मेवार जो है उनका अपना नेतृत्व है जो अपनी आइडेंटिटी के लिए ज्यादा प्रायोरिटी देता है, देश की मेन स्ट्रीम में आने को जो है सेकंड प्रायोरिटी देता है। आज कलाम का कहां कहां विरोध होता है, आज कलाम को सब लोग उन्हें एक आदर्श पुरुष मानते हैं। तो उस रोल मॉडल को लेते हुए मैं ये चाहूंगा इस चैनल के माध्यम से कि हमारे अल्पसंख्यक मुसलमान वर्ग के जो सामाजिक नेता हैं वह एक प्रोग्रेसिव दौर की शुरुआत करें और जो हिंदू और मुसलमान का जो फैब्रिक है इस देश में नेचुरल इनबिल्ट है। ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल इसको मिलाना बहुत जरूरी है, नेचुरल इनबिल्ट है, और इसके बिना चल नहीं पाएंगे। छोटा सा ब्रेक यहाँ पर हम लेंगे, जल्द लौट रहे हैं। छोटा सा ब्रेक, हमने सदैव शांति स्थापित करने का प्रयास किया है। समाजवादी पार्टी के लोगों ने सीडी बंटवाई है, समाजवादी पार्टी के लोगों ने दंगा करवाया। सर्विस टैक्स नहीं भरते हैं? मुझे पता नहीं आपको पता है कि नहीं पता, लेकिन सर्विस टैक्स नहीं देना जुर्म है, भारी पेनल्टी लग सकती है और जेल भी हो सकती है। अब सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट ये कह रहा है कि आपने टैक्स नहीं भरा है तो आप ले लो लड्डू। सर्विस टैक्स VCS एक्चुअली लड्डू है, नहीं भरा तो आप भर सकते हैं बिना पेनल्टी, बिना इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट में भी। आप बता दिए, बाद में मत कहना पता नहीं था, मिल रहा है खा लीजिए, बाद में पता नहीं रहे ना रहे लड्डू। VCS सर्विस टैक्स भरिए, नई शुरुआत करिए। आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी आइए। ओ भाई साहब, ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रन रूम, देखिए कितना बड़ा है, आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए, आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हम जानते हैं कि घर हर मान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। सगों से भी सगा है तू, अपना परिवार है, आज और कल दोनों हमने तेरे साथ देखे हैं। तू चले जब साथ तो खुशी के ठिकाने मिलते हैं। वन टच पावर स्टार्ट, शानदार माइलेज वाला APDV इंजन, जो दुनिया की नंबर 1 बाइक चुने यही कहे। सगों से भी सगा है, हीरो स्प्लेंडर, लगे ऐसा फैमिली जैसा।
हमने सदैव शांति स्थापित करने का प्रयास किया है। समाजवादी पार्टी के लोगों ने सीडी बंटवाई है, समाजवादी पार्टी के लोगों ने दंगा करवाया। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। मलिक साहब, मेरा सवाल आपसे है, और सिंघल अशोक सिंघल जी ने, जो आपके नेता हैं, उन्होंने ये कहा था, जो आपसे जुड़ी हुई पार्टी है वीएचपी के, लव जिहाद के नाम पर। अब ये चीज भी बहुत ज्यादा अपने आप के अंदर विवादास्पद है। उन्होंने कहा कि गुजरात का जो है वो यहाँ जैसा मजा चखाया और यहाँ पर बदला भी लिया गया है उस तरह से, तो ये बयान का कितना ज्यादा बीजेपी समर्थन करती है, क्या लगता है ये ठीक देना था इस टाइम ये बयान? ये बयान मैंने नहीं सुना है न देखा, इसलिए मैं इस पे कमेंट नहीं करूंगा। लेकिन लव जिहाद अगर देखना हो तो आप मेरठ जा सकते हैं, किस तरह से किया जा रहा है। और मैं इसको, बात को बढ़ाना नहीं चाहता, मैं जो असली चीज है उसकी तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। जी, मुजफ्फरनगर की स्थिति इसलिए खराब हुई कि जिस वक्त FIR लिखी जा रही थी इन लड़कों के कत्ल की, तो एक सपा के नेता जो MP रहे हैं और अब उम्मीदवार थे वहां से, उन्होंने जो उन दोनों लड़कों के कातिल थे उनके नाम निकलवा दिए और उन लड़कों के बाप का नाम नामजदगी करा दी, नाम जुड़वा दिया। इसी के रिएक्शन में पहली पंचायत हुई, तीन पंचायत हुई, किसी में कोई हिंसा नहीं हुई। 2 तारीख में मैं गया, 5 तारीख की हमने बंद की कॉल दी। अभूतपूर्व बंद रहा सारा मुजफ्फरनगर, सारे कस्बे, गांव के बाजार, कहीं कोई हिंसा नहीं हुई। मुझे ऐसा लगता है कि कोई साजिश करके डेलिबरेटली पंचायत के लोगों पे लौटते हुए हमले जानबूझ के किए गए ताकि हिंसा बढ़े, दंगा हो। कोई ना कोई फोर्सेस के पीछे है, इसकी जांच होनी चाहिए। और 4 बजे से हमला होना शुरू हुए थे, 12 बजे रात तक कोई इंटरवेंशन एडमिनिस्ट्रेशन ने नहीं किया। वो तो आसपास के गांव के लोगों ने आके लोगों को रेस्क्यू किया, कोई बचाने वाला नहीं था। तो ये इसमें, और 4 रास्ते जाते हैं पंचायत से, चारों रास्तों पे एक ही वक्त हमला हुआ लोगों के ऊपर, और हमला करने वालों के पास हथगोले थे, बंदूकें थी, सब तरह का हथियार था। आज तक तलाशी नहीं हुई, किसी की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, किसी की कोई नामजदगी नहीं हुई। तो कोई ना कोई ताकत है जिसने ये बड़ा नुकसान समाज का किया है। मलिक साहब, पर धारा 144 जब लगी थी तो साध्वी प्राची का जो वक्तव्य था, जो भाषण था, वो बहुत भड़काऊ था, मीडिया के अंदर आया था, पर हम चला नहीं सकते थे उसको, हमारी मजबूरियां थी। तो आपने नैतिकता के आधार पर उन पे क्या कार्रवाई की? देखिए, मैं उनके भाषण के लिए जिम्मेवार नहीं हूं, ना मैंने वो भाषण सुना है। उनके भाषण में अगर कहीं कोई गैर कानूनी चीज हुई है तो कानून को अपना काम करना चाहिए। नहीं तो बतौर पार्टी आपकी भी तो जिम्मेदारी है ना सर, बीजेपी क्या स्टैंड नहीं, अभी हमारे पास वो चीज, कोई हमारे पास वो जानकारी आएगी तो जरूर उस पर विचार होगा। बताइए मलिक साहब, दिन दिन तक वो ये बात चलती रही मीडिया के अंदर, आप कह रहे हैं कि अब तक जानकारी नहीं है, पर अजय जी ये स्थिति क्या दर्शाती है? अगर हम नैतिकता की बात कर रहे हैं, ये चीज कांग्रेस पे भी लागू होती है। दो वहां पर भड़काऊ भाषण के अंदर, जैसे आज बीजेपी विधायकों को गिरफ्तार किया गया है, 2 कांग्रेस के भी नेता थे, कांग्रेस खुद भी कोई कार्रवाई उनके ऊपर नहीं कर रही, कह रहे प्रशासन अपना काम करेगा, ये चीजें क्यों हो रही है? आप एक चीज देखिए कि इस देश में CRPC और IPC तो 67-68 साल से लागू है, तो क्या कार्रवाई कर देने से अगर अपराध रुकते तो इस देश में अब तक हत्याएं रुक जाती। नहीं, नैतिकता की बात फिर क्यों पार्टी कर रही है, क्यों फिर इंसानियत की बातें? ये समस्या जो मलिक साहब ने जिस तफसील से सारी बात बताई, अगर आप देखिए तो वास्तव में क्या घटना है, ये एक कानून व्यवस्था की समस्या थी। चलिए इत्तेफाकन से यहाँ जो झगड़ा हुआ वो राम और रहीम के बीच में हो गया, वो ये मसला राम और श्याम के बीच में भी हो सकता था, उसकी बहन को भी लेके हो सकता था। तो इसमें 2 बातें बड़े ध्यान से सोचे जाने की जरूरत है कि वास्तव में एक कानून का मसला था, FIR का दर्ज होना, ना होना, होने के बाद उसमें किसका नाम जुड़ना, किसका नाम हटा दिया जाना, ये इस देश की पुलिस हर थाने में प्रति मिनट प्रति सेकेंड करती है मलिक साहब, इसमें नया कुछ नहीं, देश की पुलिस ही ऐसी बनी है, उनको ट्रेनिंग ही ऐसी दी गई है क्योंकि अंग्रेजी की मानसिकता के साथ वही पुलिस है। लेकिन उसका इतना विभत्स रूप ले लेना, ये कहीं ना कहीं इस तरह के कॉमनल फ्लेयर अप और टेंशन को पूर्व से
झलकाता है, तो ये इंटेलिजेंस फेल्योर भी है। इतनी सब बातों के बीच में ये इंटेलिजेंस फेल्योर भी है। लव जिहाद की बात करते हैं वो क्या दर्शाता है? नहीं, मैं आता हूं, ये इंटेलिजेंस फेल्योर भी है। अब दूसरी बात जो ये कह रहे हैं मलिक साहब कि कोई हिंसा नहीं, वो गांव में पंचायत हुई, लोग लौट रहे थे और उनके ऊपर हमला हुआ। अपराधियों का जो क्रिमिनल प्रोसीड्योर कोड है, जो अपराधियों का अपना काम करने का तरीका है, और अपराधी अपराधी होता है, ना वो हिंदू होता है, ना मुसलमान होता है, ना सिख होता है, उसके जो कोड ऑफ कंडक्ट में लिखा है कि जो सबसे सेफेस्ट टाइम है अपराध करने का और जिससे बदला लेने का, जिसकी हत्या करने का, वो है दंगे करा दो। क्योंकि दंगे के दरमियान जो लूटपाट बलात्कार होती है कोई FIR दर्ज नहीं होती। तो हम ये क्यों ना माने, क्या मलिक साहब के पास या किसी भी व्यक्ति के पास ये प्रमाण है कि जिन लोगों ने उस भीड़ पे हमला किया वो मुसलमान ही थे? क्या इस बात की गारंटी नहीं है कि हमला करने वाले हिंदू अपराधी थे और वो चाहते थे कि वहां इस तरह के अराजकता का माहौल बने और उनको खुली लूट? इसका जवाब देंगे मलिक साहब आप? वो तो चारों मुसलमान गांव में हमला हुआ, चारों मुसलमान गांव में। और एक मिनट, इस देश में कई दंगे ऐसे भी हुए हैं मलिक साहब, एकाध घंटे के लिए नहीं हुआ, एकाध घंटे के लिए नहीं हुआ, 4 बजे से लेके रात 10 बजे तक ईंटें बरसाई गई, गोलियां चलाई गई, हथगोले फेंके गए, विजिबल थे लोगों को, दिख रहे थे कौन है, कोई ऐसा अंधेरा नहीं था कि वो ये पता ना हो किसने हमला किया है। वो 100% मुस्लिम आबादी के गांव थे और दोनों तरफ से घेरा गया पंचायत के लोगों को, उनका रास्ता रोक लिया, पीछे से हमला हुआ, छतों से हमला हुआ, तो उसमें कोई वहम की गुंजाइश नहीं है। नहीं, अब आप एक तरह से आरोप भी लगा रहे हैं, जो बात भी कह रहे हैं, सबसे कह रहे हैं सबसे मिलने जाएंगे। अजय जी आप मुझे एक बात बताएं। अजय जी, मैं आपको एक बात बताऊं जो सबसे खतरनाक हुई है। हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो जाट से मुसलमान बन गया था उसे मूला जाट बोलते थे, उसका हमारा हुक्का एक था, हम में आपसदारी थी। जो राजपूत मुसलमान बन गया था उसको रांगड़ मुसलमान बोलते हैं, दासना में रांगड़ मुसलमानों के गांव में राणा प्रताप की प्रतिमा लगी हुई है, लेकिन इस दंगे में मूले जाटों के गांव में पंचायत के लोगों के ऊपर हमला हुआ, ये परिवर्तन हुआ है खतरनाक। ये जो रिश्ते थे ये इतनी दूर तक बिगाड़े हैं, और ये सिर्फ देवबंदी शिक्षा के प्रसार ने, जिसमें ये पढ़ाया बताया जाता है कि जो नॉन बिलीवर है वो अब तुम्हारा दोस्त नहीं हो सकता है, नॉन बिलीवर जो है वो सिनर है, वो तुमसे नीचे है, तुम उससे दोस्ती नहीं कर सकते हो। ये जो चीजें जमात वाले सिखा रहे हैं, ये देवन वाले सिखा रहे हैं, ये सब मदरसों के जरिए हमारे गांव में आ रहा है। ठीक है, ये कितनी गंभीर स्थिति सर जिसके नहीं, मलिक साहब की इस बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं, और इसीलिए मैंने कहा कि ये जो हुआ और जो उन्होंने सामाजिक ताने बाने का संदर्भ दिया है, मैं उससे भी भली भागत हूं। वहां के मुसलमान बतासे बनाते हैं जो हिंदू देवी देवताओं के सर पे चढ़ाए जाते हैं, ये आस्था और ये विश्वास का माहौल उस शहर में, उस गांव में होता है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये बहुत भारी इंटेलिजेंस फेल्योर है। जिस शिक्षा पद्धति की वो बात कर रहे हैं वो बहुत हद तक इसके लिए जिम्मेवार है, वो ठीक कह रहे हैं कि उनके बीच में जो शिक्षा का माहौल है, लेकिन इसकी दूसरी तरफ जो त्रिशूल बांटा जा रहा है, जो दूसरे और जमात के स्कूलों में जो इस दूसरे तरह की शिक्षा दी जा रही है, उस पे भी तो रोक लगना चाहिए। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि इसको वोट की राजनीति और चश्मे से उठाकर मलिक साहब जैसे नेताओं की यह जिम्मेवारी बनती है कि उस शहर का हिंदू और मुसलमान दोनों एक साथ मिलकर चौधरी चरण सिंह के इरादे के साथ फिर से सड़कों पर वापस आए और इस तरह की कुत्सित राजनीति करने वाले, चाहे वो भाजपा के नेता हो चाहे वो समाजवादी पार्टी के नेता, दोनों तरफ सिखाए, दोनों को एक होना पड़ेगा। उनके एक होने, अविश्वास 60 साल का विश्वास आपने एक छोटी सी घटना पे खत्म कर लिया, कहां गए वो संबंध? वो इस देश के अगर मुसलमान है, मैं फिर एक बात कहना चाहता हूं, उनके जो पूर्वज हैं वो एक हैं, उनके जो संस्कार हैं वो एक हैं, उनके जो इबादत के तरीके हैं वो एक हैं। हम किसी जगह पे आके अलग अलग हो गए, इसका मतलब ये नहीं है एक कोई घटना हो गई। क्या जाटों और नॉन जाटों में जब शादियां होती हैं तो पंचायत हत्या नहीं करती क्या? तब दूसरे जातियों को लेकर के, जाति को लेकर के
दंगे नहीं होते, हुए हैं, लेकिन हमने उसको कंट्रोल किया, कंट्रोल किया, हमने उसको नियंत्रण में लिया। एक बात और कहूंगा जो मनोज जी कह रहे थे, हम एक तरफ हिंदू के हिमायती होने का दावा करते हैं और आप समझते हैं मेरा ताल्लुक रहा है पाकिस्तान, बांग्लादेश और गल्फ के देशों में भी काम करने का लंबे दौर तक। आपने कभी सोचा है कि आप जो यहां करते हैं वहां उन हिंदुओं पर क्या बीतती है? आज हम यहां घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं कि वो अल्पसंख्यक वहां का है और बहुसंख्यक उस पर जुल्म करता है। चलिए उस पर तो हमारा कंट्रोल नहीं है, हमारा नियंत्रण नहीं, लेकिन हम जब यहां करते हैं अयोध्या की मस्जिद तोड़ते हैं, हम जब यहां इस तरह के दंगे करते हैं, तो ये जो गल्फ के मुल्कों में जो हमारे भाई, अगर आप हिंदूवादी भी हैं और हिंदुओं की हित की चिंता करते हैं, तो ये जो साध्वी जैसे लोग हैं और ये जो साधु जैसे लोग हैं, तो मुझे तो समझ में नहीं आता इस धर्म में, मुझे दो ही रूप इस देश में धर्म का दो रूप देखने को मिल रहा है। एक तरफ है मुजफ्फरनगर, अगर मैं अपने धर्म को देखना चाहता हूं हिंदू धर्म, तो उसका एक रूप है, और अगर मैं दूसरी तरफ धर्म को देखना चाहूं तो मुझे आसाराम दिखते हैं, और तीसरी तरफ हिंदू धर्म को देखना चाहूं तो मुझे अक्षरधाम मंदिर दिखता है जहां पैसों का खुला तांडव है, या मुझे तिरुपति के मंदिर दिखते हैं। तो मुझे तो शायद ये कहने की इजाजत होनी चाहिए कि धर्म जनता के लिए अफीम है। ठीक है, ठीक बात है। अजय जी ने धर्म को जनता का अफीम बताया, मैं उसे 100% सहमत हूँ, लेकिन इन्होंने जिस तरीके का के उदाहरणों का हवाला देते हुए पूरे धर्म की जो एक तुलनात्मक व्याख्या की, मुझे लगता है वो इंटेलेक्चुअल फैशन ज्यादा है, तथ्य के करीब नहीं है। पाकिस्तान में जो हिंदुओं पर जुल्म डाया जाता है, क्या उसकी त्वरित प्रतिक्रिया क्या भारत में मुसलमानों पर जुल्म के रूप में आती है? नहीं आती है। हर स्टेट जो है वो अपने अपने हिसाब से अपने देश के टेरिटरी का लॉ एंड ऑर्डर जो है कंट्रोल करता है। आप जो है जो यहाँ का एक सिख जो बंदी जो पाकिस्तान के जेल में मार दिया गया, तो क्या उसकी त्वरित प्रतिक्रिया ठीक है कि वो जम्मू में देखने को मिली जो वहां के जेल में हो गया था, उसके बाद में भी उसके प्रत्युत्तर में भी वहां कई तरह की घटनाएं घटी जो कि वहां के पाकिस्तान के जेलों में था, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि जब यहां पर ऑर्डर दे दिया गया कि इस जेल में इस तरीके की वारदात नहीं होनी चाहिए, तो ये अलग अलग स्टेट की सोवेरेंटी वहां के लॉ एंड ऑर्डर का सवाल है। लेकिन अगर आप हिंदू धर्म के तमाम बुराइयों की बात करते हैं, मैं मानता हूं कि हिंदू धर्म में भी काफी बुराइयां हैं, सबसे बड़ी बुराई जातिवाद की है, छुआछूत की है, लेकिन जब आप इन टोटो अगर चीजों को देखेंगे तो जो इस्लाम को लेकर के जितने उपद्रव, जितने बवालात और जितने जो है तनाव और संघर्ष पूरे दुनिया के ग्लोबल मानचित्र पर है, उसके सामने हिंदू का, मैं उसके कोई प्रवक्ता के रूप में ये नहीं कह रहा हूं, मैं केवल ऑब्जेक्टिविटी को बता रहा हूं, उसकी तुलना में वो 10% भी नहीं है, न कहीं वो सुर्खियों में बनता है। तो सवाल है कि उन चीजों को कैसे एड्रेस किया जाए, सत्यता को कैसे उद्घाटित किया जाए। अगर जाट खाप में अगर हत्या होती है तो वह निंदनीय है, अगर वो पहले वाली अगर मुजफ्फरनगर की घटना निंदनीय है तो वह भी निंदनीय है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एक बुराई ये बात के लिए दूसरी बुराई का हवाला दिया जाए। बिल्कुल, आप प्रैक्टिकल बात आपने, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये बात हर कोई बीजेपी की ओर से कह रहा है कि वहां से जब वो वापस लौट रहे थे तो उन पर हमला कर दिया गया और जिन्होंने हमला किया, ये बात आप कह रहे हैं। जैसे कि देखिए मलिक साहब ने कहा कि देवबंदी वहां पर है जिस तरह की अपनी बात कर रहे हैं, पर त्रिशूल भी तो बट रहे हैं। हाँ ठीक बात है, क्यों हम इस पे ध्यान देंगे? हमने तो आपको पहले भी कई बार कहा कि आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को संवैधानिक उपचारों के जरिए आपको बैन करना होगा, बड़ा तब राजनीति जो है गुड गवर्नेंस की होगी, तब पॉलिटिक्स जो है कॉम्पिटेटिव पॉलिटिक्स होगी। आप संविधान में, आपने ये कभी इसका उल्लेख ही नहीं किया, पीपुल रिप्रेजेंटेशन एक्ट में जो चीजें थी उसको जरिए अभी उन लोगों ने जो अमेंडमेंट करके जो है मसल पावर और इन सब चीजों को 2 साल के नीचे ले आया। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक सुधारों का ये दौर है। जब मैं आर्थिक सुधारों की बात करता हूं तो राजनीतिक सुधारों का जो 4 मुद्दे आए, चाहे वो राजनीतिक दलों को आरटीआई में लाना हो, मसल पावर के इस्तेमाल पर उनको आयोग ठहराना हो, चाहे वो कास्ट रैली का सवाल हो या लोक लुभावन नारों का सवाल हो, तो हम जो अलग अलग इमोटिव बातें करेंगे उससे देश में कोई नया बदलाव नहीं आने वाला है। संवैधानिक उपचारों के जरिए आइडेंटिटी पॉलिटिक्स बैन करिए, पॉपुलिस्ट इकोनॉमी को बैन करिए, और सामाजिक समरसता की जो बात है उसको एक यूनिफॉर्म लॉ और एक यूनिफॉर्म जो है जो लाइफ का जो एथोस है उसके तहत सबको लाइए, तो हम कहेंगे नहीं मेरा पर्सनल लॉ होना चाहिए,
हमारा पर्सनल तौर तरीका होना क्यों होना चाहिए? एक नेशनल लॉ के तहत आप सबको आना चाहिए और देश का विभाजन जो है भारत के लिए ज्यादा खतरनाक हुआ है, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे लोगों के लिए ज्यादा खतरनाक नहीं हुआ है। ये देश टूटा है और इस देश टूटने के लिए कहीं ना कहीं वो मुस्लिम कम्युनलिज्म ज्यादा जिम्मेवार है बजाय हिंदू कम्युनलिज्म के। यह बात मैं बिना किसी हिंदुत्व के प्रति जो है सिंपैथी जताई ये बात एक समाज विज्ञानी के रूप में तटस्थ रूप से कह रहा हूं। मुजफ्फरनगर पे एक बार फिर हम आते हैं। मलिक साहब, राजनाथ जी जाने वाले थे, रद्द कर दिया उन्होंने दौरा आज। क्या वाकई स्थितियां इतनी बुरी हैं? लगता है आपको डीएम ने कहा कि वहां पर कि नहीं जाना चाहिए, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं जा पाते पर सोनिया गांधी पहुंच जाती हैं? मैं राजनाथ जी के साथ हुकुम सिंह जी और मैं, हम तीनों लोग जाने वाले थे जी। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने रात को उनको फोन किया और कहा कि साहब आप अभी मत आइए, स्थिति खराब है, जबकि स्थिति कहीं कोई खराब नहीं है। कारण सिर्फ इतना है, और चिट्ठी भी उन्होंने भेजी, वो चिट्ठी मैंने देखी है जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने भेजी है। उन्होंने अनुरोध किया कि मत आइए, और राजनाथ जी ने भी इसलिए कि भाई कोई चीज हमारे जिम्मे ना लगे। उनको दिक्कत ये थी कि ये जाएंगे, सारी चीजें पता चलेंगी। अभी तो आप हैरत करेंगे कि इतने चैनल और इतना प्रेस दिल्ली में है, वो सारी जगह पहुंचा नहीं है। दो तीन चार चीजें देख के चला आता है। आप लिसाड़ फुगाना, ये जो गांव है लाख है, लिसाड़ है, फुगाना है, इन गांव में जाके देखिए, लोग अपना घर छोड़ के भागे हुए हैं। तो हम जाएंगे, हमको पता चलेगा क्या हुआ है, पता चलेगा हम आपको आके बताएंगे। तो प्रशासन ये नहीं चाहता कि, प्रशासन सिर्फ उन्हीं को जाने दे रहा है जो प्रशासन के प्रोटेक्टर हैं, जो प्रशासन के क्रिटिक हैं। आप इंतजार करेंगे जब तक इजाजत नहीं दे रहे हैं? नहीं, अब राजनाथ जी नहीं जाएंगे, लेकिन हम लोग तो स्नीक कर जाएंगे कहीं से आजकल में। नहीं तो मतलब आपके कुछ प्लानिंग है जाने की, किस तरह से फिर आप डील करेंगे उन चीजों की? गिरफ्तारी की बात आएगी उसके लिए भी फिर तैयार हैं? हम तो गांव के आदमी हैं, खेत से खेत में चले जाएंगे, गिरफ्तार होंगे गिरफ्तार हो जाएंगे, लेकिन अपने लोगों के बीच में जिनके जो लोग मरे हैं, जिनके यहाँ कोई नहीं है, उनके बीच में तो होना हमारी जिम्मेवारी, हम लोग जाएंगे। ठीक है अजय जी, ऐसे टाइम पर राजनाथ जी का ना वहां पहुंच पाना किन्हीं कारणों से, और ये बात बार बार आ रही है कि अगर वहां पर कांग्रेस के तौर पर प्रधानमंत्री के तौर पर मनमोहन सिंह जाते हैं, पर अब ये भी पॉसिबल नहीं है कि मनमोहन सिंह अकेले चले जाएं, ये अलग अलग दुविधा कांग्रेस की है। यहां बार बार राजनाथ सिंह का ना जा पाना ये क्या दर्शा रहा है? ये क्या समाजवादी पार्टी का संकेत दे रही है? नहीं, इसमें देखिए दो बात है। एक तो दंगा हो गई जो दुर्भाग्यपूर्ण है, जो निंदनीय है। अब फोकस ये होना चाहिए कि जो वहाँ राहत के काम हैं, जो फैक्ट फाइंडिंग का काम भी थोड़े दिन के लिए, मैं तो ये भी बात कहता हूँ कि FIR हो गई तो ठीक है, हमने मीडिया के थ्रू और दूसरे दलों के थ्रू दबाव बना दिया और उनको गिरफ्तार करा दिया। कोई ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि FIR है तो गिरफ्तारी किया जाना चाहिए, वो इन्वेस्टिगेशन का अपना तौर तरीका है, IO का तरीका है, उसके बेसिस पे भी गिरफ्तारियाँ हो सकती हैं। 191 का नोटिस दे के उनको थाने में बुलाइए, सारी प्रशासनिक कार्रवाई है, मैं उसमें नहीं जान। अभी महत्वपूर्ण है कि वहाँ जो आग लगी है उसको शांत किया जाए, जो अविश्वास का माहौल बना है वो विश्वास लौटाया जाए, क्योंकि कोई भी समाजवादी पार्टी सर संकेत नहीं दे रही कि हम भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर नहीं बुला रहे हैं। नहीं, नहीं, आप तो इससे ही माहौल शांत हो रहा है। आप ही के चैनल पे आज से दो रोज पूर्व यह भी कहा था कि इस वक्त मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी का वहां जाना वोट पॉलिटिक्स से ज्यादा कुछ नहीं है। जरूरत क्या थी? जब आपको एक्शन लेने की जरूरत थी या त्वरित कार्रवाई की जरूरत थी वो तो आपने लिया नहीं। जो वहां जो इंटेलिजेंस फेल्योर है, जो IB का फेल्योर है, जो इस देश की दूसरी गुप्तचर संस्थाओं का फेल्योर है, उस पर तो आपने टाइमली एक्शन नहीं लिया। आपके गृह मंत्री एक तरफ बयान देते हैं कि मैं दाऊद को पकड़ के ला रहा हूं, मतलब ये थानेदार हो गए हैं, अब इनको मालूम है, इतनी स्पष्ट खबर है, आपने देखा होगा चैनल पे। और मुजफ्फरनगर में क्या हो रहा है इसका आपको इल्म नहीं है? तो अगर उस देश में राष्ट्रपति शासन की बात की जा रही है तो इस देश के गृह मंत्री से क्यों नहीं त्याग पत्र मांगा जा रहा है? ये दौर, अगर तुम में हिम्मत है तो गांधी बंधो, अगर तुम में हिम्मत है तो गांधी बंधो। जलते हुए नोआखली के गांव में उस 47 के दंगे में गया था गांधी, वहां के प्रशासन ने भी रोका था, तब के तत्काल कलेक्टर ने भी उसको मना किया था, लेकिन गांधी उस जलती हुई आग में कूदे थे और अपने साथ बंगाल के तत्कालीन मुखिया सोहड़ा वर्दी को भी ले जा करके उस घर में रखा था और रात भर बिना किसी पुलिस प्रोटेक्शन के रहा था। तो अगर हिम्मत है तो गांधी बंधो, और बिना किसी पुलिस प्रोटेक्शन के जो मल्लिक जी कह रहे हैं कि मैं खेतों खेत में लोगों के बीच में जाऊंगा, लेकिन अपने लोग नहीं, आप लोगों के बीच में जाइए। वो रमगढ़िया मुसलमान भी आपका है, वो रहीम भी आपका है,
राम सिर्फ आपका नहीं है, इस चश्मे से जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो रवायत है उसको आप कायम करें। अजय जी जैसा कह रहे हैं लगातार संकेत बीजेपी की ओर से आ रहे हैं। देखिए ये तो पॉलिटिक्स की ओर इशारा कर रहे हैं, वोट बैंक की ओर इशारा कर रहे हैं। देखिए अगर अजय जी का इशारा यदि मानवतावाद की तरफ है तो मेरा 100 नहीं 200% समर्थन है। मैं ये चाहता हूं कि मानवतावाद के दायरे में ही देश की सारी पॉलिटिक्स हो और सारी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी मानवतावाद के दायरे में हो। नहीं बीजेपी क्या, कौन दोषी नहीं है? नहीं, मैं अगर बीजेपी हिंदू सामुदायिक पार्टी है तो सपा मुस्लिम सामुदायिक पार्टी नहीं है, आप नहीं जानते इस बात को। कांग्रेस जो है वो हर तरह का सांप्रदायिकता करती है जी। कोई जातिवाद का फसाद करता है, राज ठाकरे क्या करता है, करुणानिधि क्या करता है, इस देश में आइडेंटिटी पॉलिटिक्स ही आपकी सफलता का पैरामीटर है। जैसे मीडिया में अश्लीलता जो है उसकी सफलता का पैरामीटर है, फिल्म इंडस्ट्री में जो है अश्लीलता जो है उसकी सफलता का पैरामीटर है, वैसे ही राजनीति में जो है जितने आप भड़काऊं उकसाऊं चटकाऊं बयान दें, जितने आप उस तरीके का वो करें क्रिया और प्रतिक्रिया करें तो आप सफल हो जाएंगे। तो इस देश में जब तक प्रोग्रेसिव और पॉजिटिविज्म के आधार पर संविधान में इस बात की व्यवस्था नहीं होगी कि आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के लिए कोई जगह नहीं है, केवल गुड गवर्नेंस की कॉम्पिटेटिव पॉलिटिक्स होगी। और धर्मनिरपेक्षता की बात क्या करते हैं, कौन सा दल धर्मनिरपेक्ष है? अब ये इफ्तार पार्टी तमाम दल क्यों करते हैं बताएं? बड़ी प्रणेता तो बीजेपी ही लग रही है, आइडेंटिटी पार्टी से जुड़े थे चाहे जो भी पार्टी हो वो क्यों इफ्तार की राजनीति करती है, उसकी पोस्टरिंग क्यों करती है? जबकि ये धर्म जो है निजी विषय है, कोई राजनीतिक दल कोई सरकार कभी भी पब्लिक तौर पे किसी धर्म की गतिविधियों में शामिल नहीं होगी। धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा यह कहती है, जबकि हर दल धर्मनिरपेक्षता के एक तरह से उसका उल्लंघन करते हैं। तो सवाल तो हिंदू पार्टी के रूप में बीजेपी तो घोषित रूप से है, तो और पार्टियां भी तो उसके काउंटर में कर रही है। जब संविधान बैन करेगा तो गुड गवर्नेंस पर इस आइडेंटिटी पॉलिटिक्स में सबसे आगे तो प्रणेता बीजेपी ही दिख रही है फिलहाल, नहीं लगता? बीजेपी है इसलिए कि मेजोरिटी की पार्टी है, तो इसमें उसको लोगों को और लगता है उनके विरोधियों को कि जब वो मेजोरिटी जब चल जाएगा, यही वजह है बीजेपी के लिए, यही वजह है कि हिंदू में जितने कास्ट हैं उस कास्ट को लेकर के अलग अलग कास्ट का उद्घोष किया जाता है कि कभी उसमें यूनिटी ना हो। हम तो इसलिए नरेंद्र मोदी के हम बहुत बड़े क्रिटिक हैं कि वह उनका जो असली चेहरा है वो चेहरा जो है वो हिंदू पोस्टर बॉय का चेहरा है, डेवलपमेंट तो उनका केवल एक ऊपर का फोकस है। तो इस देश में जब तक पॉलिटिक्स की रीति और नीति नहीं बदलेगी, जब संवैधानिक उपचारों के जरिए उसकी व्यवस्था नहीं होगी, और यह वक्त आ गया है कि देश में राजनीतिक सुधारों को अंजाम दिया जाए और ऐसे तौर तरीके अपनाए जाएं जो देश के वास्तव में भले के लिए हो। और रह गया ठीक है, एक चीज एक बात और मैं कहूंगा, कन्वर्टेड रिलीजन जो मलिक साहब ने अभी व्याख्या की, मुझे बड़ा ही वो एक मतलब कौतूहलपूर्ण जानकारी लगी, जो जाटों में जो वो जाट थे वो बदल करके मुसलमान जो हुए और राजपूतों में जी। ये रिलीजन का कन्वर्ट होना, मैं जानता हूं कि हिंदू धर्म की व्यवस्थाएं जिम्मेवार थी इसके लिए, लेकिन ये कन्वर्टेड रिलीजन और सेपरेटेड नेशन ये हमारी रियलिटी है इस देश ठीक है। तो जब राष्ट्रवाद की बात होती है, जब अखंड हिंदू तो और अखंड राष्ट्र की बात होगी, तो हमें हिंदुइज्म के जितने कमियां और खामियां हैं हम मानते हैं कि उसको दूर पहले करना होगा, तभी यह देश जो हमारा पुरातन काल में जो अखंड भारत था और अखंड जो हिंदुत्व जो सनातनी धर्म था जिसमें किसी तरीके की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, ऊंच नीच छुआ छूत और बड़ा और नीचे का, चाहे वर्ण व्यवस्था का, मैं उसका हिमायती हूं, पुरजोर हिमायती हूं। तो आज मौजूदा काल में यह कह देना कि वो अल्पसंख्यक है इसलिए सहानुभूति के जारा पात्र हैं, उनका नेतृत्व भी बहुत दोषी है, सोच भी बदल अपनी सोच भी बदल जी जी, वो मदरसा एजुकेशन के बंदी शिक्षा की उन्होंने क्यों विरोध किया, अजय जी ने भी विरोध किया। तो जब तक मेन स्ट्रीम में नहीं आएंगे तब तक देश उनके साथ न्याय नहीं कर पाएगा। मलिक साहब एक बिल्कुल संक्षेप में आपसे जवाब चाहूंगा, क्या ये आपने पश्चिम उत्तर प्रदेश बंद की बात की है, क्या ये सही समय है बंद करने का? आप जब खुद नहीं पहुंच पा रहे वहां पे, आप बंद का आह्वान करेंगे अगर आपकी पार्टी, तो स्थितियों को कितना आप संभालेंगे? नहीं, इसमें विरोध प्रदर्शन का एक शांतिपूर्ण तरीका है, इसमें कोई जबरदस्ती बंद नहीं कराएगा। लोग एक तरफा जो आचरण सरकार का है उसके विरोध में अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे अपना काम बंद करके, स्थिति सामान्य होने के बाद नहीं कर सकते सर, ये कोई भड़काऊ चीज नहीं है जी, स्थिति पूरी तरह कंट्रोल में होने के बाद नहीं हो सकता। देखिए शहर तो सभी सामान्य है, इस वक्त तो जो कठिनाई है वो गांव वालों की हो रही है, वहां कोई जा भी नहीं रहा है, लिहाजा बंद में कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए तो अजय जी ये इस वक्त बंद करना कैसा आपको? मेरे समझ से ये बंद के समय की जैसे सर्वधर्म सभा का समय होना चाहिए, मतलब इतनी सभा में अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं फिर बाद में तो बंद ही कर रहे हैं, ये माहौल को बिगाड़ेगा। और मैं बार बार एक ही बात कहता हूं कि देखो हा से हिंदू म से मुसलमान और उससे बना हम और हम से है हिंदुस्तान, आप इस देश के फिजा को न बिगाड़े,
नहीं करना चाहिए सब कुल मिला के। उस दिन शहर में होली हुई थी खून की, हम ये ना भूलें, उस दिन शहर में होली हुई थी खून की, जिसने नामुरादी का ककहरा लिख दिया है हमारे चेहरों पे। अगर मिटाना है तो उस नामुरादी उस अविश्वास के ककहरे को मिटाइए। ठीक है मनोज, मनोज जी इस वक्त बंद ये स्थिति कैसी दिखती है, क्या ये राजनीति नहीं है? देखिए लॉ एंड ऑर्डर, देखिए ये एक हाई टाइम है लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने का, अपने अपने पॉलिटिकल स्कोर करने की जो आज भी जद्दोजहद चल रही है। और समाजवादी पार्टी में ये घोर निराशा है, समाजवादी पार्टी में ये घोर निराशा है कि उनका मुस्लिम वोट बैंक कहीं चला ना जाए, और इसी स्ट्रेटजी के तहत वो जो अपने तमाम प्रशासनिक प्रक्रियाएं कर रही हैं। और बीजेपी खेमे में भी बड़ा उत्साह का माहौल है कि हमने हिंदू पोलराइज कर दिया है और नरेंद्र मोदी का नमो नमो जाप और तेज हो जाएगा। और कांग्रेस पार्टी को इस बात की चिंता है कि हमारा वोट बैंक जो है मुलायम सिंह यादव से हमारे पास चला है। बिल्कुल मलिक जी, तो इसमें हर लोग इस हमारे में नंगे हैं। बिल्कुल संक्षेप में सर बात नहीं, देखिए हमको 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 दिक्कत ये हो रही है कि मुजफ्फरनगर के देहात के लोग ये कह रहे हैं कि देखिए इनके तो सब हिमायती हैं हमलावरों के, हमारी कोई हिमायत नहीं कर रही है, बीजेपी भी कुछ नहीं कर रही है। हमारी दिक्कत ये है कि हमको ये भी झेलना पड़ रहा है। चलिए ठीक है, तो कुल मिला के अब स्थितियां आने वाले दिनों के अंदर और कैसी होती हैं वो हमें देखना होगा। और जैसा कि खुद मलिक साहब ने कहा कि अगर नहीं जाने को मिलता राजनाथ सिंह को तो वो खुद भी जाएंगे, तो उम्मीद करते हैं कि स्थितियां कंट्रोल में रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा का भागीदार बनने के लिए। तो फिलहाल हमारी पेशकश में इतना ही, नमस्कार। अपराध है, हमने सदैव शांति स्थापित करने का प्रयास किया है। समाजवादी पार्टी के लोगों ने सीढ़ी बंटवाई है, समाजवादी पार्टी के लोगों ने दंगा करवाया। सर्विस टैक्स नहीं भरते हैं? मुझे पता नहीं आपको पता है कि नहीं पता, लेकिन सर्विस टैक्स नहीं देना जुर्म है, भारी पेनल्टी लग सकती है और जेल भी हो सकती है। अब सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट यह कह रहा है कि आपने टैक्स नहीं भरा है तो आप ले लो लड्डू। सर्विस टैक्स VCS एक्चुअली लड्डू है, नहीं भरा तो आप भर सकते हैं बिना पेनल्टी, बिना इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट में भी। आप बता दिए, बाद में मत कहना पता नहीं था, मिल रहा है खा लीजिए, बाद में पता नहीं रहे रहे ना रहे लड्डू। VCES सर्विस टैक्स भरिए, नई शुरुआत करिए। तुलसी एक ऐसा पौधा जिसे हमारे देश में न सिर्फ पूजा जाता है बल्कि एक औषधि के रूप में भी तुलसी का हर घर में महत्वपूर्ण स्थान है। योग एवं प्राकृतिक चिकित्सक श्री अनिल बंसल के नेतृत्व में कार्यकुशल डॉक्टर्स की टीम ने अत्यंत मेहनत एवं शोध के बाद तुलसी अमृत का निर्माण किया है। तुलसी अमृत की दो बूंदों को पानी